बिलासपुर जिला में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जारी कोविड एसओपी का बिलासपुर शहर में असर देखने को मिल रहा है। एसओपी के अनुसार शनिवार और रविवार को सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं सहित बाजार बंद दिखे, जिसमें मेडिकल शॉप व दूध ब्रेड सब्जी सहित डेली नीड्स की दुकानों को ये छूट मिली हुई थी। वहीं इन एसओपी का पालन करते हुए बिलासपुर मुख्य बाजार से लेकर बसअड्डा चौक तक हर जगह रविवार को दुकानें बंद दिखीं और गलियां सुमसान नजर आईं। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा जारी एसओपी का बिलासपुर के लोगों ने स्वागत करते हुए इसे कोरोना की जंग से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया, ताकि लोग अपने घरों में रहकर इस वायरस से लड़ सकें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। प्रशासन के आदेशों की पालना करवाने के लिए जगह जगह पुलिसकर्मियों की टीमें तैनात दिखीं, ताकि कोई व्यक्ति व दुकानदार प्रशासन के आदेशों की अवहेलना ना कर सके। इनको पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था करी है कि जो डेली नीड्स की दुकानें हैं उनके एक्सेप्ट जो भी कोई दुकानें हैं वो सारी बंद हो, और लोग भी पूरी फॉलो कर रहे हैं। कोई भी दुकान ऐसी खुली नहीं है जिसको बंद करने के आदेश हैं। मोस्टली 100% दुकानें सारी बंद हैं और लोग भी फॉलो कर रहे हैं पूरी तरह से। लोगों भी केवल जरूरी सामान लेने ही बाहर निकल रहे हैं, बाकी वैसे सुनसान नजर आ रहा है। जी, बस लोग भी पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ डेली नीड्स की सब्जी सूजी लेने के लिए निकल रहे हैं, बाकी सब कोई नहीं आ रहा है बाजार में। सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, शनिवार और इतवार को जब तक ये चेन टूटेगी नहीं तब तक ये कोरोना का खात्मा नहीं होगा। और बताइए, लोग पालन कर रहे हैं सरकार का? लोगों को पालन करना पड़ेगा, जब सरकार कहेगी तो पालन करना पड़ेगा। कैसा माहौल दिख रहा है आपको इस टाइम? माहौल इस टाइम बिल्कुल शांत है, सड़कें बिल्कुल खाली है, सुनसान है, हर एक जगह मार्केट में सुनसान पूरा छाया हुआ इस टाइम। तो दुकानदार ही पालन कर रहे हैं? हाँ, दुकानदार पूरा पालन कर रहे हैं। जो असेंशियल कमोडिटीज की शॉप्स हैं वो खुली हैं, बाकी जो जनरल शॉप्स हैं सब बंद है। चलो ठीक है, ये कदम वैसे बंद रहे तो अच्छा है, इससे बीमारी जो है कम रहेगी और क्या है, लोगों को राहत मिलेगी थोड़ी बीमारी से। असर दिख रहा है आज यहाँ पे? हाँ हाँ, बहुत असर है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, सब्जी लेने भी गिने चुने बंदे आ रहे हैं। बाकी चलो ऐसा है, अगर बाहर निकलेंगे तो अच्छी बात है, और क्या। कितना जरूरी है आपको क्या लगता है कि जरूरी है सेफ्टी के लिए? सर बिल्कुल बहुत जरूरी है ये, जितने लोग बाहर कम निकलेंगे तो बीमारी से जो है राहत मिलेगी। हर शनिवार रविवार को ऐसा होना चाहिए? चलो अच्छी बात है, अगर जब तक बीमारी का वो है बंद रहे तो अच्छा ही है। कदम कदम का स्वागत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिलासपुर जिला उपायुक्त रोहित जम्बाल ने बताया कि एसओपी का पालन करवाने के मकसद से पूरे बिलासपुर जिला में 16 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें 16 सेक्टर ऑफिसरों की तैनाती की गई है, जिन्हें गाड़ी की सुविधा सहित एएसआई व एसआई लेवल के पुलिसकर्मी भी ड्यूटी पर लगाए गए हैं, जो पूरे जिला बिलासपुर की विभिन्न गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। बात जो है, मैं आप सभी को सूचित करना चाहूंगा कि इन एसओपीज की अनुपालना कराने के लिए हमने पूरे बिलासपुर जिले को 16 सेक्टर्स में बांटा हुआ है, और इसमें 16 सेक्टर ऑफिसर लगाए गए हैं जिनके पास गाड़ी जो है अटैच्ड गाड़ी है, और इन सभी सेक्टर ऑफिसर्स के साथ जो है एक एक एएसआई या एसआई स्तर का पुलिस का अधिकारी भी दिया गया है, ताकि ये एसओपीज की अनुपालना कराने के लिए जहां भी जाएं इनको ऑफिसर्स को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। अभी जो है सिर्फ दो प्रकार के प्रयोजनों के लिए अनुमति जो है दी जा रही है, विवाह समारोह और जो फ्यूनरल सेरेमनी है इनके लिए, और उसमें भी 50 मैक्सिमम लोगों की ही संख्या जो है निर्धारित करी गई है, 50 से अधिक इसमें नहीं हो सकते हैं।